हेलो दोस्तों, मैं पुनीत सोलंकी आज आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रजातिवाद यानी कि रेसिज्म के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, प्रजातिवाद बहुत प्राचीन काल से चलता आ रहा है। एक प्रजाति दूसरी प्रजाति को हीन भावना की दृष्टि से देखती है। दोस्तों, आज भी यह प्रजातिवाद दुनिया के लगभग हर देश में मौजूद है। दोस्तों, यह एक कटु सत्य है कि प्रजाति को प्राणीशास्त्रीय अवधारणा ने मानकर उसे धर्म, राष्ट्रीय, भाषा अथवा देश से जोड़ा गया है और इसी आधार पर एक प्रजाति ने अपने को मानसिक गुणों एवं सृजनशीलता से दूसरी प्रजाति से श्रेष्ठ माना एवं घोषित किया है, जिसके फलस्वरूप प्रजातिवाद की मिथ्या धारणा विकसित हुई है। प्रजातिवाद वह विचारधारा है जिसमें एक प्रजाति दूसरी प्रजाति को स्वयं से निम्न स्तर का मानती है और उसके साथ असमानता, अभद्रता का व्यवहार करती है। दोस्तों, इस प्रजातिवाद के कारण ही पृथ्वी पर अनेक नरसंहार हुए हैं। इनमें से मुख्य हैं युगांडा का नरसंहार, जर्मनी का नरसंहार, कंबोडिया का नरसंहार आदि। इन नरसंहारों में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दोस्तों, जैकब्स और स्टर्न ने अपने शब्दों में कहा है कि प्रजातिवाद में विश्वास किया जाता है कि प्रत्येक प्रजाति में अपनी व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक एवं स्वभाव संबंधी पैतृक विशेषताएं होती हैं, जिन पर सामाजिक एवं शैक्षणिक वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जन्म से ही कुछ प्रजातियां उच्च होती हैं एवं कुछ निम्न। वंशानुक्रम ही मनुष्य के जीवन के सांस्कृतिक पक्ष को प्रभावित करता है। दोस्तों, वैज्ञानिक खोजों से यह स्पष्ट हो चुका है कि सभी मनुष्य की प्रजाति एक समान है। सभी में सुंदर, असुंदर, दुर्बल एवं शक्तिशाली, बुद्धिमान और मूर्ख मनुष्य पाए जाते हैं। किसी भी प्रजाति का व्यक्ति अन्य प्रजाति की स्त्री के साथ विवाह द्वारा संतान उत्पत्ति करने में सक्षम है और सभी प्रजातियों में उचित अवसर, वातावरण मिलने पर प्रशासन करने और संस्कृति का विकास करने की पर्याप्त क्षमता मौजूद है। अतः यह कहना कि अमुक प्रजाति दूसरी की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है नितांत गलत है और मिथ्या धारणा है। तो दोस्तों और विद्यार्थियों, आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल का आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।